कड़ी मेहनत और समर्पण, स्कूल टॉपर। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? हेलो सर, मैं ठीक हूँ। हेलो सर, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। तो दोस्तों, मुझे बताओ, आज आप क्या सीखना चाहते हो? सर, क्या आज आप हमें अपनी कोई कहानी बता सकते हैं? ज़रूर, आज मैं आपको एक कहानी बताऊंगा कि मैं अपनी स्कूल का टॉपर कैसे बना। ये उन दिनों की बात है जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था। हर कोई हमारी स्वतंत्रता का इंतज़ार कर रहा था। हमारे देश के सभी लोग हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए खुश और उत्साही थे। सभी स्वतंत्रता सेनानियों की तरह मैं भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, और इसके लिए मुझे एक अच्छे स्कूल में पढ़ना होगा। क्योंकि मैं एक गरीब परिवार से था, इसलिए मुझे पता था कि मेरे माता पिता फीस का खर्चा नहीं उठा पाएंगे, इसलिए उनसे पूछने की हिम्मत भी नहीं हुई। एक दिन जब मैं पढ़ाई कर रहा था, मेरे माता पिता मेरे पास आए और मुझे कहा, तुम्हारी माँ और मैं ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन हम जानते हैं कि तुम उच्च शिक्षा लेना चाहते हो। तुम्हारे लिए हमने बहुत सपने देखे हैं अब्दुल, चिंता मत करो, हम किसी भी तरह फीस का प्रबंध करेंगे ताकि तुम एक अच्छे स्कूल में पढ़ सको। तुम किस स्कूल में जाना चाहते हो? मैं श्वाद स्कूल में जाना चाहता हूँ, जो रामनाथपुरम में है, रामेश्वरम के पास। ठीक है अब्दुल, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा, पर अब्दुल तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी और हमारे सपने पूरे करने होंगे। हाँ माँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा। मेरा भाई मुझे स्कूल ले गया और एडमिशन की औपचारिकताएँ पूरी की। वो एक बहुत अच्छा स्कूल था, कक्षाएं बड़ी थी और हम सभी के लिए बेंचेस थे। शिक्षक पढ़ाने के लिए ब्लैकबोर्ड और चौक का इस्तेमाल करते थे। स्कूल में खेल को भी प्रोत्साहित किया जाता था। गर्मी के दिनों में शिक्षक हमें पढ़ाई के लिए कक्षा के बाहर ले जाते थे। हमें पेड़ों के नीचे बिठाकर पढ़ाया जाता था। जब हमें कक्षाएं बदलनी होती थी, हम एक पेड़ से दूसरे पेड़ के पास चले जाते थे। एक दिन मैं जल्दी में था और गलती से मैं गलत कक्षा में चला गया, जहां मेरे मैथ्स टीचर पढ़ा रहे थे। उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा, हाँ अब्दुल, क्या है? सर, मैं अपनी क्लास के लिए आया हूँ। क्या तुम देख नहीं सकते, ये तुम्हारी क्लास नहीं है? माफ़ करना सर, तुम इस स्कूल में क्या कर रहे हो अगर तुम अपनी क्लास भी सही तरह से नहीं ढूंढ सकते? तुम्हें अपने गांव वापस चले जाना चाहिए, जहां से तुम आए हो। सभी स्टूडेंट्स मुझे देखकर हंस रहे थे। फिर टीचर ने पूरी कक्षा के सामने मुझे छड़ी से मारना शुरू कर दिया। आ आ सर, प्लीज मुझे मत मारिए, मैं वापस ऐसा नहीं करूंगा। मैं बहुत उदास था, मुझे घर की बहुत याद आ रही थी। मैं वापस घर जाना चाहता था। फिर मैंने सोचा, मेरे माता पिता ने मुझे इस स्कूल में भेजने के लिए बड़ी मेहनत की है, मुझे उनके सपने पूरे करने ही होंगे। मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं बहुत मेहनत करूँगा और सबसे अच्छा स्टूडेंट बनूँगा। मैंने दिन रात पढ़ाई की। कुछ हफ्तों बाद गणित की परीक्षा थी, जो उन्हीं टीचर ने रखी थी। मैंने सारे जवाब सही लिखे। कुछ दिनों बाद मैथ्स के टीचर ने रिजल्ट घोषित किया। राजेश, आपने 100 में से 61 मार्क्स पाए हैं। यश, आपने 100 में से 70। मोना, 100 में से 80। अब्दुल, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें कितने मार्क्स मिले होंगे? सर, मैंने सारे जवाब सही लिखे थे, प्लीज़ बताइए ना, मुझे कितने मार्क्स मिले हैं? 100 में से 100, फुल मार्क्स, बहुत अच्छे अब्दुल। धन्यवाद सर। गणित की परीक्षा में पूरे मार्क्स लाने का मेरा सपना साकार हुआ, मैं खुश था।
अगली सुबह असेंबली में सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स मौजूद थे। वो टीचर जिन्होंने मुझे मारा था, उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जिसको मैं दंडित करता हूँ वो एक महान आदमी बनता है। सारे स्टूडेंट्स हंसने लगे। इसके बाद उन्होंने याद किया कि क्या हुआ था। अब मैं आप सबको बताता हूँ कि अब्दुल को फुल मार्क्स कैसे मिले। सभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुन रहे थे। टीचर ने मेरी ओर इशारा किया और कहा, मेरे शब्द याद रखना, ये लड़का अपनी स्कूल और टीचर्स का नाम रोशन करेगा। उनके इस प्रशंसा के शब्दों से उनके पहले किए गए अपमान को मैं भूल गया। मैं खुश था। सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स ताली बजाने लगे। उस सेमेस्टर के बाद मैं अपने गांव वापस गया छुट्टियों के लिए। मेरा पूरा परिवार खुश था। मेरे माता पिता ने खुशी से मुझे गले लगाया। मेरे भाई ने पीठ थपथपाकर मुझे शाबाशी दी। मुझे लगा मैंने कुछ अच्छा काम किया है, पर अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी था। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी, स्कूल टॉपर। सर, आज से मैं भी कड़ी मेहनत करके पढ़ाई करूंगा और अव्वल आऊंगा। हाँ सर, मैं भी अपने स्कूल में पहला नंबर लाने की कोशिश करूंगी और अपने माता पिता का नाम रोशन करूंगी। बहुत अच्छा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना।